वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, आज हमारे पास सिम्बा मुझे बहुत परेशान कर रहा था और सिम्बा को जो सिम्बा की टॉयलेट है ये सिम्बा बॉल से खेलता है, सिम्बा ये है बॉल। तो किसी भी डॉग को, आपके भी डॉग है, उनको कैसे ट्रेन किया जाता है मैं बताऊँगा कि बॉल को कैसे पिकअप करता है और कैसे लाता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे कि अब तो ये सब सीख गया है, उसका वीडियो मैंने बना नहीं पाया सॉरी, पर मैं फिर भी आपको बताऊंगा कैसे वो खेलता है बॉल से। जैसे कि हमने दिखा दिया है कि आज हम सिम्बा के लिए एक नया गेम, तो बहुत सारे गेम हमने दिखाए हैं हम क्या क्या चीज़ें, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी भी आप अपने डॉगी को कुछ भी सिखाएंगे तो उसके पहले आपके पास बहुत सारी चीज़ होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये बॉल है, जब हम उसको बॉल का गेम कम्प्लीट करवाएंगे तो उसके बाद हम उसको चीज़ देंगे तभी ये बॉल लीव करेगा। तो जैसे हमारा सिम्बा इधर ये सिम्बा हमारे यहाँ बैठ गया है, अब इसको हम ये बॉल देंगे कैच करने के लिए। देखिए जब कैच करेगा तो हम इसको ठीक करेंगे। जब ये सिम्बा ने कैच किया और जब सिम्बा ने कैच किया तो इसको आजकल पनीर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो हम पनीर ट्रीट में देंगे। तो जब मैंने इसको पनीर दिया तो ये बॉल वो छोड़ दिया। सबसे सिंपल तरीका है, आप उसको कुछ स्पीड में देंगे वो बॉल फटा के छोड़ देगा। और जब ये हाथ देना है दूसरा क्या करेंगे, अब बॉल को फेंक दे दिया आपको सिम्बा, इसको थोड़ा तैयार किया, अब हम क्या करेंगे बॉल को थ्रो अप करेंगे और इसको सिम्बा लेके आएगा। हमने ट्रीट ली, ये ट्रीट है सिम्बा की, फिर से हमने ट्रीट लिया, वो तो दीवाना है ट्रीट का के लिए, और इसने बॉल छोड़ दी, ये बॉल आ गई। अब एक बार अपन स्पीड में भी करके दिखाते हैं, ये बहुत स्पीड से पकड़ के लाएगा, बॉल लेने गया है। उसके बाद रेड के लिए कुछ भी कर सकता है। अब दूसरा गेम ये है कि आप सिम्बा को बहुत गेम खेलने से आपको ये भी फायदा हो जाते हैं कि इससे आपकी डॉग की एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमारे लिए वहाँ साइड जाएगा। और सिम्बा को हम देखिए आप इसको बॉल पकड़वाने की जैसे आप एक्सरसाइज कराते हैं, इसको बॉल बहुत पसंद है, ये खुद भी खेलना चाहते हैं, क्योंकि जर्मन सफर डॉग में एक चीज़ है कि इनको जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज कराएंगे उतना ही ज़्यादा ये और एक्टिव रहेंगे, एक्टिव मोड में रहेंगे। तो आप इसकी जैसे बॉल है सिम्बा बॉल, तो हम यहाँ से देखेंगे देव के पास, तो देव मेरे पास है कि कोई बीच में बंदर, वो बीच के बंदर बोलते हैं उस टाइप के एक्सरसाइज इसके कराएंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अपने डॉगी के साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज, सिम्बा उधर जाएगा और फिर इधर लाएंगे। अब इसको हम बाइक लेकर दौड़ा नहीं सकते, तो हम सिंपल इसको ऐसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इससे इसके वर्कआउट भी हो रहा है और इसकी एक्सरसाइज भी हो रही है। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है रोड रोड में खेलने में, लोग आते हैं आप अपने ग्राउंड में भी कर सकते हैं, पर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा इस समय बारिश और इसके कारण एरिया बहुत गंदा है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, अनिपन है, इसलिए हम लोग रोड रोड में खेल रहे हैं। तो इस तरह आप लोग टोटल आप गेम खेल सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप अपने डॉग के साथ खेल सकते हैं और भी हम दिखाएंगे कि आखिर कैसे मैंने ये सब चीज़ें उसको सिखाई है कि बॉल को कैसे कैच करना है, बॉल कैसे उठा के लाना है। अब देखिए ये ट्रेंड हो चुका है तो मैं आपको बता नहीं सकता ये कैसे किया, पर इस तरह अपन कर सकते हैं कि डॉग के सामने बॉल आपने ढंगाई तो हर डॉग में ये एक्टिविटी होती है कि वो बॉल को पिकअप करने की कोशिश करता है। जैसे पिकअप करके लाए आप उसको कोई ट्रीट दीजिए, ट्रीट को आप ज़मीन में रख देंगे तो वो बॉल को छोड़ के वो ट्रीट को खाना चाहेगा, तो उसको ये समझ में आएगा। बार 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 आप यही करिए, बॉल को फेंकिए और फिर पास में लाइए और कोई ट्रीट दीजिए उसको, तो वो बार बार बॉल को छोड़ देगा। इसी तरह मैंने उसको ये चीज़ सिखाई है। और उठना बैठना ये सब तो मैं आपको पुरानी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि किस तरह उठना बैठने वाली एक्सरसाइज होती है। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट्स में पूछना हो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, बाय बाय।